हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एजुकेयर। तो अपन ने कंप्यूटर में इससे पहले लेसन फर्स्ट एंड सेकंड स्टडी किए थे अच्छे से, और होप सो आपने उनका होमवर्क भी अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लिया होगा और आपने लेसन्स को भी लर्न कर लिया होगा। ठीक है, अगर कुछ बाकी है तो आजकल में उसको कंप्लीट कर लो। तो आज अपन करेंगे शुरू कंप्यूटर का लेसन 3। इसका नेम है मोर अबाउट द कीबोर्ड। हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट था अपने कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अपन ज़्यादा जानेंगे कि वो क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कैसी उनकी कीज होती है। ठीक है, तो आज अपन देखिए कौन कौन से पॉइंट अपन लर्न करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग द कीबोर्ड, हम कीबोर्ड को जानेंगे क्या है कीबोर्ड, कीज होने कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती है और कीज मैनर क्या तरीके होते हैं, किस हिसाब से वो उस पे लगी हुई होती है और क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये अपन सभी इस लेसन में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोइंग अ कीबोर्ड, हम कीबोर्ड को जानेंगे। देखिए, कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कीबोर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज दैट हेल्प्स यू टू एंटर इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी क्या होती है, डिफरेंट सेट ऑफ की होती है, यानी की के बहुत सारे सेट होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं टू इंटर द इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन है, अपना जो डेटा है वो डालते हैं, सूचनाएं हम डालते हैं, वो डालने के लिए हमारी हेल्प करती हैं कौन, ये सभी कीज। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो गया यहाँ से, आपको लर्न करना है कि नॉर्मली है वो एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। 104 कीज आर देर इन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कुछ एडिशनल कीबोर्ड आते हैं मल्टीमीडिया, उनमें अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। वी कैन टाइप नंबर्स, वर्ड्स एंड करेक्टर्स बाई प्रेसिंग दीज कीज, और हम इन कीज को मतलब अलग अलग की को प्रेस करके हम नंबर, वर्ड्स और करेक्टर है वो उसके अंदर इनपुट में दे सकते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने एक कीबोर्ड है, इसमें देखिए कितनी कीज होती है। ठीक है ना, ये कीज कितनी होती हैं, 104 होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब देखिए, सबसे पहले कैप्स लॉक कीज, ये जो यहाँ पे जो की होती है इसमें साफ साफ लिखा होता है कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक की है। फिर जो ऊपर वाली कीज होती है इन्हें बोलते हैं फंक्शन कीज, और यहाँ पे नंबर होते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, नंबर कीज। फिर ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, जब अपन ने कोई एंट्री कर दी और अपने को उसको पीछे जाना है, उसको हटाना है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, बैकस्पेस कीज। ये बैकस्पेस की होगी, ये यहाँ पे कंट्रोल की दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये शिफ्ट की है, यहाँ पे ओल्ट ALTL लिखा हुआ है, सब कुछ इस पर लिखा हुआ रहता है। ये बड़ा सा सबसे बड़ी की होती है, ये होती है अपनी स्पेस बार की, और ये अपने अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है ना, QWERT वैसे करके A to Z है, ये अपनी अल्फ़ाबेट कीज होगी। ये एरो कीज होगी अपनी, ठीक है, ये एंटर की है, यहाँ पे एंटर एक यहाँ भी होता है और एक यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी बहुत सारी कीज है, वो आप जैसे कंप्यूटर प्रैक्टिकल में आपको सर करवाएंगे तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और आप भी जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे आपको भी इनके बारे में पता चल जाएगा। अब इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास में आ गई है। ठीक है, अब देखिए कीज ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो कीज होती है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड आर, कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती है, जो कि आपने अभी ऊपर देखे थे अल्फ़ाबेट कीज। ठीक है, कौन कौन सी होती है, अल्फ़ाबेट कीज होती है A to Z हो गए, फिर है अल्फ़ाबेट कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज, नंबर कीज, एरो कीज एंड नेविगेशन कीज। देखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज,
थी ना अभी भी अपने पीछे देखी थी, ठीक है, ये अल्फाबेट कीज होती है। ऑब्जर्व द कीबोर्ड, यू विल फाइंड देर आर 26 अल्फाबेट कीज फ्रॉम ए टू जेड। आप कीबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो उसमें 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट के वो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से इसको देखोगे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होते हैं, जैसे अपने ए बी सी डी ऐसे होता है ना, अपने इस ऑर्डर में वो नहीं होते हैं। दीज कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और ये कीज है ये वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखने के काम आती है। द अल्फाबेट कीज आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर सो दैट अ यूजर कैन वर्क फास्ट, और ये जो अल्फाबेट कीज होती है वो इस हिसाब से सेट की होती है जिससे कि अल्फाबेट भी जो यूजर है वो जल्दी से है वो टाइप कर सके। ये अपने को अभी तो ये लगती है ना कि उल्टी सीधी दे रखी है, ए टू जेड होती तो आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ए टू जेड कंटिन्यू होती, ये लेटर कंटिन्यू होते तो हमें आसानी बिल्कुल नहीं होती। ये इसी हिसाब से दी गई है ताकि आप है जल्दी से इसको टाइप कर सको। देखो ए एस डी एफ अपने ऐसे करते हैं टाइप, ठीक है ना, इसमें भी स्पेशल फिंगर होती है कि कौन सी फिंगर से कौन सा लेटर टाइप करना है, ऐसा आपको टाइपिंग सिखाते वक्त तो बताया जाता है, ठीक है ना। जब भी आपकी कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास होगी तो टीचर आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे क्या होता है कि आप जल्दी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना, आपका जो टाइम है वो बच सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आती है कीज, नंबर कीज। कौन सी कीज आती है? नंबर कीज। देखिए ये आपने ऐसा इंटरफेस कुछ वहाँ पे पीछे अपने कीबोर्ड पे देखा होगा, पीछे पिक्चर थी, आपके पास में कीबोर्ड है या कहीं भी आपने कीबोर्ड में ये चीज़ें भी ज़रूर देखी होगी। द नंबर कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए ब्लॉक एज इन ए कैलकुलेटर। ये एक ब्लॉक के अंदर एक बॉक्स के अंदर होते हैं, जैसा कि अपने कैलकुलेटर में होती है, जैसा अपने कैलकुलेटर में होते हैं ना उसी हिसाब से ये अरेंज की हुई होती है। देर आर 10 नंबर्स कीज फ्रॉम 0 to 9। इसमें 0 से लेकर 9 तक जो है भी 10 नंबर कीज होते हैं। ईच कीज टाइप से सेपरेट नंबर, और ईच की इनमें प्रत्येक की है वो अलग अलग नंबर प्रेस करती है, यानी इस पे दबाया आपने, इस पे प्रेस किया तो 1 प्रेस होगा, इस पे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबर कीज आर एट 2 प्लेसेज ऑन द कीबोर्ड। नंबर कीज होती है वो कीबोर्ड में 2 प्लेसेज में होती है, एक तो यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे ऊपर होती है, जो फंक्शंस कीज होती है उनके नीचे अभी आपने बात की थी ना, तो वो वहाँ पे होती है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर कीज इज अबव द अल्फाबेट कीज एंड सेकेंड सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये अपने यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो हो गया यहाँ पे और एक जो अल्फाबेट की अपने ऊपर की बात की थी ना, अपने अल्फाबेट की जो होती है टू जेड उसके जस्ट ऊपर होती है। ये कीज है, ये नॉर्मली आपको कीबोर्ड में मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक छोटे साइज के लैपटॉप होते हैं उसमें ये की है वो नहीं होती, यानी अपने इनसे भी सारा काम चला सकते हैं। ये फास्ट वर्क करने के लिए होती है, न्यूमेरिकल वर्क आपको करना हो और फास्ट करना हो तो उसके लिए इसका यूज ज़रूरी है, अदरवाइज अपन उनसे भी काम चला सकते हैं। फिर अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन कीज, ठीक है, अल्फाबेटिक कीज, नंबर कीज के बाद में हम कौन सी पढ़ेंगे, फंक्शन कीज। देखिए फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन कीज हम कुछ विशेष प्रकार के काम करने के लिए काम यूज में लेते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। ये कंप्यूटर की ऊपर वाली जो रो होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। यू सी द की मार्क्ड एज F1, F2, अप टू F12, यानी F1 से लेकर F12 तक की ये की होती है, इन्हें बोलते हैं हम फंक्शन कीज। इनका यूज है वो स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए आता है। दीज कीज आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज। इन्हें हम शॉर्टकट कीज के रूप में यूज करते हैं, यानी कोई भी अपने एक की को दबाया तो अपने कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो चालू हो जाता है, काम करता है, यानी अपने 2-3 की प्रेस करके कोई ऑप्शन आना हो वो एक की से आ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल F1 इज यूज फॉर विंडो हेल्प एंड स्पोर्ट्स एंट्री, यानी अपने F1 दबाया तो उससे क्या होता है कि विंडो के अंदर अपने कोई हेल्प चाहिए, हेल्प एंड स्पोर्ट्स सेंटर है वो आ जाता है विंडो, ये F1 दबाते हैं। F2 दबाते ही हमें कोई एडिटिंग करनी हो, ठीक है ना, कोई एक्सेल का सेल हो या कहीं अपने को एडिटिंग करनी हो कुछ, तो एडिट का करने के लिए अपने F2 दबा देते हैं। F5 से हमें रिफ्रेश करना हो अपने कंप्यूटर को, इंटरनेट पे अपन काम कर रहे हैं बार बार अपने को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए अपने F5 की यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के प्रत्येक की के अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे अपन अपकमिंग क्लासेस में आप जाओगे तो आपको इनका पता चल जाएगा। तो अभी अपन आगे करेंगे स्टडी एरो कीज, ठीक है ना। अब अपन कौन सी कीज आ गई, एरो कीज। एरो कीज में देखिए, एरो कीज कुछ ऐसी होती है, ऐसा इंटरफेस होता है, आपने देखा पीछे, ठीक है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट ये चार एरो होते हैं। दे आर फोर कीज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है, मार्क विद एरो साइन। ये अपने चार एरो साइन की हुई कीज होती है, ये कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में होती है। दे आर कॉल्ड एरो कीज, और इन्हें क्या बोलते हैं, एरो कीज बोलते हैं। दे आर यूज टू मूव द कर्सर डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन, और ये क्या है कि अपना ऐसा कर्सर होती है, सॉरी ये अपना ये ऐसा कर्सर होता है, इसको स्क्रीन की अलग अलग साइड में मूव करने के लिए काम आता है। जहाँ से अपने कर्सर क्या होता है, जहाँ भी कर्सर है वहाँ से, जहाँ भी कर्सर होता है वहाँ से अपना अपना लिखने का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस कर्सर को मूव करना हो कि हमें कहाँ से लिखना शुरू करना है, तो उसको मूव करने के लिए आप कीबोर्ड के पॉइंटर के अलावा इन कीज का भी यूज कर सकते हो। एरो कीज और एरो कीज आर आल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल की, क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल करती है ना इसको, तो इसे हमें कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एरो कीज किसे कहते हैं, एरो कीज का दूसरा नेम क्या है, इसका यूज क्या है। देखिए आगे, डू यू नो, क्या आप जानते हो, कर्सर इज़ द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनिटर। कर्सर क्या होता है, मैंने बताया ना, ऐसी एक लाइन होती है जो कि बार बार ब्लिंक करती रहती है, आती जाती रहती है, ठीक है ना। इट शोज द करंट पोजिशन वेयर यू शुड टाइप द टेक्स्ट। अभी मैंने बताया कि ये क्या करती है, करंट पोजिशन बताती है, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे अपन अपना जो वर्ड या लेटर टाइप करना है वहाँ पे टाइप होगा। अगर कर्सर यहाँ है तो यहाँ से लिखा जाएगा, और कर्सर यहाँ है तो यहाँ से लिखा जाएगा, और यहाँ है तो यहाँ से लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी की आएगी, स्पेशल कीज, ठीक है, ये है आपकी स्पेशल कीज। देर आर सम टास्क दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बाई द कीज, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि की की हेल्प से कम्प्लीट नहीं किए जा सकते, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको आप की हेल्प से कम्प्लीट नहीं कर सकते। विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, जो कि आपने पहले से पढ़ा है। सम टास्क रिक्वायर्स टू हेल्प सम अदर कीज ऑल्सो, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ दूसरी कीज की भी हेल्प होती है। दीज आर कॉल स्पेशल कीज, और इन्हें हम स्पेशल कीज कहते हैं। सम ऑफ द कीज वर्क इन ए कॉम्बिनेशन विद अदर कीज, और इसमें कुछ की है वो दूसरे के साथ में काम में आती है, कंट्रोल जैसे होगी, हेल्थ है, ये एक दूसरे के साथ में यूज लेके ही इसका कोई अपना अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। सम स्पेशल कीज आर एज फॉलोज, और कुछ स्पेशल कीज है वो यहाँ पे नीचे दिखाई गई है, नीचे दी गई है, उसको अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इसमें में बताया गया है कौन सी, ये सबसे बड़ी कीज जो दिखती है अपने, जो आपके अल्फाबेट के नीचे होती है, स्पेस बार की। देखिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इट इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन लेटर्स और नंबर्स, और ये क्या करती है, लेटर और नंबर के बीच में स्पेस, यानी कोई भी अपन नाम लिख रखते हैं, जैसे मैंने सपोज मेरा नाम लिखा राकेश कुमार, तो राकेश और कुमार के बीच में मैंने स्पेस दिया, तो वो स्पेस किससे देते हैं हम, स्पेस बार की से देते हैं।
अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, हाँ इफ यू वांट टू टाइप अ फुल नेम ऑन द कंप्यूटर सच एज रजत वर्मा, टाइप द फर्स्ट नेम रजत एंड प्रेस द स्पेस बार की एंड देन टाइप वर्मा। तो ये बीच में देखिए इतना सारा ये स्पेस, वरना अगर ये नहीं होता तो देखिए एक साथ में अपन लिखेंगे तो एक साथ में आएगा, मान लो ठीक है ये एक साथ में आएगा ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है क्योंकि ये चीज़ें भी अलग है, हम इन दोनों के बीच में गैप देना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग है, तो अपने इसमें भी अलग से लिखेंगे। तो मैंने लिखा आर ठीक है, तो ये लिखे अपन बीच में दिया क्या स्पेस, फिर आगे वाला लेटर यहाँ से आएगा ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन इज कैप्स लॉक कीज, ठीक है ना, कैप्स लॉक सब सब दिख रहा है इसमें लॉक हो जाता है। दिस की इज यूज टू टाइपिंग अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में एक बार अपन ने कर दिया तो लेटर कैपिटल में होंगे टाइप, अगर एक बार इसको दोबारा प्रेस कर दिया तो वापस वही भी अपोजिशन में आ जाएगी ठीक है ना, स्मॉल लेटर आ जाएंगे ठीक है ना, कैप्स को ये लॉक कर देता है, अभी एक ही ऑर्डर के लेटर है वो इससे प्रेस होते हैं। फिर है बैक स्पेस की, जो मैंने पीछे भी आपका बताया था, यानी अपन कोई काम कर रहे हैं और अपने को पीछे जाना है वापस, उस चीज़ को इरेज करना है रिसेंटली में जो चीज़ की है। द की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, यानी इसके कर्सर होता है ये, इसके इस साइड में जो भी चीज़ें लिखी होती है इस साइड में, इसको अपने को इरेज करने के लिए इस की को काम में दिया जाता है, ये की कुछ ऐसी दिखती है। अब देखिए एंटर की, देखिए दिस इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ये अगले इस एंटर की का यूज़ क्या करता है, इसका यूज करते हैं अपन अगले लाइन की इनिशियल शुरुआत में अपन पहुंच जाते हैं, बिगनिंग में पहुंच जाते हैं ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर मेमोरी, और इससे हम इंस्ट्रक्शन या कमांड भी कंप्यूटर मेमोरी में देने के लिए काम आता है ठीक है। जैसे अपने कंट्रोल पी करना है, अपने सपोज़ कोई भी चीज़ अपने को प्रिंट करनी है तो कंट्रोल पी दबाया, उसके बाद में अपन एंटर उसमें आता है, या कोई भी की है अपन वो करने के काम में आता है ठीक है। अब देखिए शिफ्ट की, इसके अलावा भी स्पेशल की कौन सी होगी, भी शिफ्ट की। दिस की इज यूज टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द की, यानी कंप्यूटर के अपर पार्ट ऑफ की के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कुछ पंक्चुएशन होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ठीक है, या कुछ अलग टाइप के सिंबल, डॉलर है, एट द रेट है, हैश है, इस टाइप के होते हैं, उनको अपन क्या है कि सीधा डायरेक्टली प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि एक की के ऊपर दो चीज़ें हो गई, तो एक एक सीधा अपन उसको करते हैं प्रेस तो वो चीज़ आएगी, एक चीज़ जो है मान लीजिए नंबर है, और शिफ्ट के साथ में करेंगे तो उस की के ऊपर दूसरी जो चीज़ है जो कि सिंबल्स या पंक्चुएशन है वो आ जाएंगे ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप द कैपिटल लेटर्स वैन द कैप्स लॉक इज नॉट वर्किंग, और अगर कैप्स लॉक है वो काम नहीं कर रहा है तो, यानी अपने कैप्स लॉक को नहीं कर रखा है तो कैपिटल लेटर को अपने को मान लीजिए ये आपका जो अल्फ़ाबेट की का ए है ठीक है, ए है, अगर अपने यहाँ पे अपने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो ए प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए ही आएगा ठीक है, लेकिन अगर अपना कैप्स लॉक ऑफ है तो ए कौन सा आएगा, कैपिटल की बजाय आएगा अपना स्मॉल। अगर हम कैप्स लॉक को भी ऑन नहीं करना चाहते और पर्टिकुलर ए की पे अपने को ए कैपिटल करना है टाइप, तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करोगे, शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करोगे तो आपका कैपिटल ए आ जाएगा, आपको कैप्स लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी प्रेस इट विद लेटर टू टाइप द अपर केस, ठीक है, यानी अपने को अपर केस किसी भी लेटर का अपर केस करना हो टाइप तो उसके लिए इस की को यूज लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंबल कीज, देखिए द सिंबल
कीज हैव स्पेशल करेक्टर्स ऑन देम, सिंबल कीज होती है उनके पास में कुछ अलग अलग करेक्टर होते हैं, जैसे दे आर टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कीज। ये क्या है कि शिफ्ट कीज के साथ में यूज में आती है। दीज आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नंबर कीज, और ये नंबर कीज के ऊपर वाले पार्ट पे होती हैं। ठीक है, ये होती कौन सी, देखिए इनका यूज। फर्स्ट वन इज नेविगेशन कीज में देखिए, होम, होम होती है उसका यूज देखिए। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया है, उसके साथ में यूज होती है। अभी ऊपर वाला भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए नेविगेशन कीज नेक्स्ट में उनका यूज क्या होता है। फर्स्ट वन इज होम होता है, देखिए मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, यानी कर्सर को जो भी अपना कर्सर होता है जो कि एक ब्लिंकिंग लाइन होती है, इसको अपन कहाँ लेने जाना चाहते हैं, लाइन की शुरुआत में ले जाना चाहते हैं, तो अपन होम प्रेस करेंगे तो ये लाइन के शुरू में चला जाएगा। एंड मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, और अपन कर्सर को लाइन की एंड में लेकर जाना चाहते हैं तो अपन एंड का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस होम मूव्स द कर्सर टू द टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और अपन क्या करते हैं, पूरा पेज है, पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके अपन सबसे ऊपर में कर्सर को लेके जाना चाहते हैं तो अपन कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। और कंट्रोल प्लस एंड का यूज देखिए, मूव्स द कर्सर टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी अगर अपन किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे जाना चाहते हैं तो अपन कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। फिर है पेज अप, मूव्स द कर्सर और पेज अप वाई वन स्क्रीन, यानी एक ऊपर की तरफ अपन जाने के लिए पेज अप का यूज करते हैं। पेज डाउन मूव्स द कर्सर और पेज डाउन बाई ऑन स्क्रीन, और नीचे जाने के लिए स्क्रीन के अपन नीचे जाने के लिए पेज डाउन का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज डिलीट, ठीक है ना, इसका यूज क्या है। इरेज द करेक्टर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर और द सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसका यूज या तो हमने कोई चीज़ें टेक्स्ट अपन ने सिलेक्ट किया है उसको डिलीट करने के लिए काम आएगा, या कर्सर के राइट साइड, ये देखिए ध्यान से पॉइंट ओबिनेटेड, कर्सर के कौन सी साइड, कर्सर के राइट साइड में कोई मैटर को अपने को डिलीट करना है तो उसके लिए तो अपने को कौन सा यूज करेंगे, डिलीट की। और कर्सर के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी आप लिख के आए हो उसको आपको डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का यूज करोगे। मान लीजिए ये है कर्सर यहाँ पे, ये कर्सर कहाँ पे है, एन के नीचे है यहाँ पे, ये कर्सर है। अगर अपने अगर आपने जो डिलीट प्रेस किया तो इसका क्या डिलीट होगा, आपने दो चार बार पांच बार ये डिलीट किया तो ये यहाँ से इस साइड से आपका जो भी वो है कीज, वो जो आपकी डिलीट होनी शुरू हो जाएगी इस साइड से। और आपने बैक स्पेस यूज किया तो एन इज, है ना, कीबोर्ड द, ये चीज़ें आपकी डिलीट होगी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देने वाली है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए इंसर्ट की, टर्न्स द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ, क्या टर्न्स द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ, व्हेन द इंसर्ट मोड इज ऑन तो इससे क्या होता है, यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट एट द कर्सर पोजिशन, अगर इंसर्ट मोड आपका ऑन होगा तो कर्सर के ऊपर आप टेक्स्ट है वो आ जाएगा। व्हेन इट इज ऑफ द टेक्स्ट दैट यू टाइप रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग करेक्टर, और अगर ये ऑफ होगा तो जो पहले वाले करेक्टर है उस पर ये एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कीबोर्ड माइनस, थोड़ा सा ये देख लीजिए कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड माइनस, द कीबोर्ड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का बहुत ही जरूरी पार्ट है कीबोर्ड, सो यू शुड यूज इट विद स्पेशल केयर, तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज करना होता है। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाई यूजिंग द कीबोर्ड, और आप जब कीबोर्ड को यूज कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का खासतौर से ध्यान रखना होता है। देखिए डू नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड टू हार्ड, और आपको कभी भी जोर से इसको न तो उठाना है, न इसको धक्का देना है, न इसको दबाव देना है, न इसको खींचना है। इट
इट मे डिमेज द इट मे डिमेज द वायर कनेक्टेड टू द कीबोर्ड। इससे क्या होता है कि कीबोर्ड से जो वायर कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है, वो डिमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। डू नॉट कीप एनी थिंग ऑन द कीबोर्ड सच एज बुक और सीडीज। आपको कीबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ें, बुक या सीडी, उसके ऊपर नहीं रखनी होती है। डू नॉट प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड टू हार्ड। और आपको कीबोर्ड की जो कीज होती है उनको बहुत ज़्यादा जोर से नहीं प्रेस करना होता है, नहीं दबाना होता है। ठीक है, देखिए ये कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं। ये आपका वर्ड पैड है, इसके अंदर कीबोर्ड का और भी ज़्यादा यूज होता है। कौन कौन सी की किस हिसाब से काम करती है वो आपको आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लासेस में बता दिया जाएगा। अब देखिए वाइल टाइपिंग जब आप टाइप कर रहे होते हो, प्रेस द की जेंटली एंड रिमूव योर फिंगर क्विकली। और ये खास तौर से आपको, मान लीजिए कोई भी की प्रेस करनी है तो आप जल्दी से भी आराम से उसके ऊपर ऐसे किया प्रेस और हैंड को वापस हटा लेना है। वापस क्या करना है आपने को, हैंड को जल्दी से हटा लेना है। अगर आपने जल्दी से हाथ नहीं हटाया तो काफ़ी देर तक वो की प्रेस रहेगी। तो बहुत सारे वो ये देखिए रिमूव द की अदरवाइज द सेम लेटर इज टाइप अगेन एंड अगेन। ये जो ऊपर दिखाया गया एफ है, अगर आपने एफ यहाँ पे किया है प्रेस, तो एफ करते ही प्रेस आपको अपनी फिंगर है वो हटा लेनी है। अगर आपने जल्दी सी नहीं हटाई तो एफ है वो बार बार पल प्रेस होता चला जाएगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है जब आप इनिशियली कीबोर्ड का यूज़ करो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कीप द एफ की प्रेस्ड एंड डू नॉट रिमूव फिंगर फ्रॉम इट, एफ गेट्स टाइप अगेन एंड अगेन एज सोन। जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, कोई भी आपने लेटर प्रेस किया F3, 4, MP, व्हाटएवर जो भी आपने की प्रेस की है, आपको क्या करना है, वो की प्रेस करते ही अपने फिंगर को हटा लेना है। अगर आपने इसको नहीं हटाया तो क्या होगा आपके साथ में, ये की है वो बार बार जो है वो इसके मतलब इसकी से जो भी लेटर बनना है वो बार बार है वो इसके ऊपर मतलब टाइप होता जाएगा। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और बाकी बहुत कुछ आप कीबोर्ड के बारे में जानते होंगे। बहुत कुछ आज अपने सीखा और बहुत कुछ अपन अपनी कंप्यूटर प्रैक्टिकली क्लासेज है उसमें सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये लेसन आपने हो गया आज अपना। तो इसको आपने आराम से 2-3 बार इस लेसन को रीड करना है, इस 2-3 बार आपको इस वीडियो को देखना है। और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और उनको अच्छे से लर्न करना है। तो अपना 1, 2 और आज ये 3 लेसन आपके क्लास 3rd के कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन मिलने चाहिए। और आपको ये सब कुछ लर्न होना चाहिए क्योंकि अगले महीने में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन्हें एग्ज़ाम में आपके 4 लेसन आएंगे, तो आपके 3 हो गए, 1 लेसन और हो जाएगा। तो 4 लेसन आपके अच्छे से होने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।